हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है। एयरफोर्स में एफकेट की सेकेंड नंबर की वैकेंसी 2024 के रिगार्डिंग। एफकेट क्या होता है? एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है, जिसके थ्रू ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के पोस्ट के लिए भर्ती कराई जाती है। फ्रेंड्स, इसके लिए ना ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। तो चलिए इसके डिटेल को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पोस्ट वाइज जो सीट रहेगा, फ्लाइंग ऑफिसर की 29 हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 54 है, लॉजिस्टिक का 17, एजुकेशन का 9 है, वेपन सिस्टम का 17, एमईटी के लिए 10 सीट्स होगा और अकाउंट्स का 22 सीट्स रहेगा। टोटल पोस्ट 277 है। तो अगर आप इस पोस्ट की डिटेल जानना चाहते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, तो मैंने अपलोड कर दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाइए वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अप्लाई ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है 30 मई से, यानी 30 मई से ऑनलाइन हो रहा है। लास्ट डेट आपका रहेगा 28 जून, लेकिन आपको 28 जून तक इंतजार नहीं करना है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, इलिजिबल हो, तो जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई करें। इससे क्या होगा कि सर्वर इशू आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। देखिए, एग्ज़ाम का भी डेट अनाउंस कर दिया गया। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा ना, सितंबर 2024 में करा दिया जाएगा। तो समय काफ़ी कम है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आई नो कि बच्चे पहले से तैयारी कर रहे होते हैं, फिर भी आपको प्रीवियस ईयर का सेट तो ज़रूर बनाना चाहिए कि पिछले साल कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। अभी जो आपका एफकेट 1 आया है, उसका जाके देखिए, मॉडल पेपर बनाइए। इससे आपको पता चल जाएगा कि सेप्टेम्बर तक आप अपना सिलेबस कम्प्लीट कर पाएंगे या नहीं, कहाँ आप वीक है, कहाँ स्ट्रांग है, वो सब कुछ आपको एक बार इवेलुएशन करके देख लेना चाहिए। देखिए, फॉर्म जब आप अप्लाई करोगे ना, तो आपसे 550 रुपीज़, यानी 550 रुपया सभी कैटेगरी के कैंडिडेट से लिया जाएगा। एज की रही बात कि किस डेट से कैलकुलेट होगा, एज ऑन 1 जुलाई 2025, मतलब कि 2025 1 जुलाई आपका एज डेट रहेगा। अब अलग अलग तरह के पोस्ट है, तो अलग अलग आपका एज का भी क्राइटेरिया है। देखिए, फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए 20 से 24 वर्ष, यानी 20 to 24, जो भी कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन 2 जुलाई 2001 to 1 जुलाई 2005, मतलब कि 2 जुलाई 2001 से लेके 1 जुलाई 2005 के बीच में जिनका भी जन्म हुआ है ना, वो सभी फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अदर जो भी पोस्ट है, उसके लिए आपका 20 से 26 वर्ष एज लिमिट है। बॉर्न बिटवीन 2 जुलाई 1999 to 1 जुलाई 2005, मतलब कि 2 जुलाई 1999 से लेके 1 जुलाई 2005 के बीच में जिनका भी जन्म हुआ है, वो सभी बच्चे इलिजिबल रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, देखिए, क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, तो आपको पता है कि अलग अलग तरह के पोस्ट है, तो क्वालिफिकेशन थोड़ा अलग अलग रहेगा। सिंपली जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, आप इलिजिबल रहेंगे। बस आपका मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। लेकिन फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए, आप अगर किसी भी ग्रेजुएशन से आपने कर रखा है, ठीक है, लेकिन उसके साथ ही साथ आपका 12th में ना फिजिक्स और मैथ होना चाहिए, और कम से कम आपका 50% 12th में स्कोर होना चाहिए। कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास है, उसके साथ 12th में मैथ, फिजिक्स और कम से कम 50% के साथ होना चाहिए। अकाउंट्स का जो आपका पोस्ट रहेगा, उसके लिए बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए कॉमर्स सब्जेक्ट से। आई होप कि यहाँ तक के बेसिक डिटेल आपने सारा कुछ समझ लिया होगा। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसके सिलेक्शन यानी चयन प्रक्रिया के ऊपर। देखिए, सिलेक्शन आपका डिपेंड करता है मेजर 3 स्टेजेस पे। एट फर्स्ट स्टेज यू हैव टू क्लियर द ऑनलाइन CBT, यानी कि आपको ऑनलाइन एग्जाम, कंप्यूटर आधारित जो परीक्षा होगी, उसको क्वालिफाई करना होगा। तब आपका AFSB यानी एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड का एक टेस्ट पास करना होगा। जब उसमें क्वालिफाई हो जाते हो आप, तब आपका मेडिकल होता है, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स की आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी, फिर आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर सेंड कर दी जाएगी।
चलिए फिलहाल समझते हैं कि एग्जाम की पैटर्न क्या रहने वाली है। एग्जाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया में आपका रहेगा, ऑनलाइन पेपर होगा 100 क्वेश्चंस के लिए फॉर 300 मार्क्स, मतलब कि पर क्वेश्चन आपको मिलते हैं 3 मार्क्स। समय रहता है 2 आवर्स यानी 2 घंटे का और निगेटिव मार्किंग 1 रहेगा। अब देख लेते हैं किस किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन होगा। देखिए फ्रेंड्स, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन हो जाएंगे 90 मार्क्स के लिए। सेकेंड आपका जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के लिए। उसके बाद रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन फॉर 75 मार्क्स। लास्टली आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन हो जाएंगे 60 मार्क्स के लिए। तो ये एग्जाम आप क्वालिफाई करोगे। आपको पता है कि एयरफोर्स की जॉब है तो कुछ ना कुछ यहाँ पर फिजिकल क्राइटेरिया भी मैंडेटरी होगा। देखिए यहाँ पर हाइट जो है ना, मेल कैंडिडेट का 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब कम से कम आपका 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए मेल का 162.5 सेंटीमीटर रहेगा, फीमेल्स का ऑल पोस्ट के लिए 152 यानी 152 सेंटीमीटर रहेगा। एग्जाम की पैटर्न बता दी हूँ, उसके बाद AFSB टेस्ट होगा, DV और आपका क्या मेडिकल होगा। फिर ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा तो आप ज्वाइन कर लोगे। सैलरी इसमें बहुत अच्छी मिलती है, जैसा कि आपको पता है ऑफिशियल पोस्ट होता है, ग्रुप बी और सी की पोस्ट होती है। सैलरी आपकी शुरुआती दौर में ही होती है 56,100 यानी 56,100 रुपीज़ से स्टार्टिंग होती है। बाद में आपकी सैलरी बढ़ते बढ़ते 210,000 यानी 210,000 हो जाती है। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है तो इसका लाभ जरूर उठाए। आई होप कि इसके रिगार्डिंग सारे डाउट्स एंड कन्फ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। अभी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके वहाँ पे क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते जाना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना है ताकि सारी न्यू जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।